यहाँ देखो हेलो, सभी बच्चों को नमो नमः, है ना। सभी बच्चे आपका इस क्लास में स्वागत है और ये संस्कृत की क्लास है ना। और आपको पता है कि हम आपको शासन की जो पढ़ई तुहार द्वार योजना है उसके अंतर्गत SCERT द्वारा संचालित राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षाओं में आपको घर बैठे ही पढ़ाई की सुविधा का लाभ देते हैं, जिससे आपकी जो पढ़ाई है निरंतर और सुचारू रूप से घर पर ही चलती रहे। ठीक है बच्चा, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का 10वां पाठ। 10वां पाठ का क्या मतलब होगा? दसवां मतलब दसवां पाठ। ठीक है, और ये है हमारा छत्तीसगढ़ राजस्य लोक भाषा। छत्तीसगढ़ राजस्य लोक भाषा, लोक भाषा का क्या अर्थ होता है? लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, है ना। और भाषा का अर्थ क्या होता है? बोली, आप सभी जानते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो बोलियां हैं उसे हम इस पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो छत्तीसगढ़ राजस्य लोक भाषा, सभी अपनी किताबें निकाल ले। आज हम 10वां पाठ, है ना, कक्षा 7वीं का, सुरभि का, संस्कृत का 10वां पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी तैयार हो? आपको प्रीति रानी तिवारी की क्लास में, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। सर्वेशां स्वागतम अस्ति। ठीक है, देखिए आप चित्र में भी देख रहे हैं, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये है नक्शा। छत्तीसगढ़ प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ राज्य, है ना। तो हमारे भारत में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी है जहाँ हम रहते हैं। इसके बारे में आज हम, और इसकी बोलियों के बारे में, लोक भाषा के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रथमा द्वितीय आरंभ। चलिए बच्चों, तो ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश लोकगीत लोक नृत्य लोक भाषाणाम संगम स्थलम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य लोकगीत, है ना, गाना गाते हैं जो गीत है हमारा, हमारे जो यहाँ के लोगों का गीत है उसे हम क्या कहेंगे? लोकगीत। लोक नृत्य, यहाँ के जो लोगों का नृत्य जो है, जो प्रसिद्ध है, उसे क्या कहेंगे? लोक नृत्य, आप सभी जानते हैं। लोक भाषाणाम और बोलियां, लोक भाषाणाम मतलब बोलियां, है ना, बोलियों का क्या है ये? संगम स्थलम अस्ति, संगम स्थल है। कौन सा प्रदेश? हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य किसका संगम स्थल है? लोकगीत लोक नृत्य और लोक भाषा मतलब छत्तीसगढ़ की बोली, लोगों की बोली, क्या इसका क्या है? संगम स्थल है। लोक संस्कृति दृष्टिया सत्यम शिवम सुंदरम इत्युक्ते अस्य राजस्य प्रखराभिव्यक्तिम प्रदर्शयति। ठीक है, लोक संस्कृति, यहाँ की जो संस्कृति है ना, उसकी दृष्टि से भी सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदरम है, शिव ही सुंदर है। इस वाक्य को क्या करते हैं यहाँ इस राज्य में, इसका बहुत प्रखर मतलब बहुत अत्यधिक इसका जो अभिव्यक्ति है वो यहाँ पे क्या होती है? प्रदर्शित होती है, हमको प्रतीत होती है, दिखती है ना। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है जो है सत्यम शिवम सुंदरम, इस युक्ति को क्या करता है? चरितार्थ करता है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्य उत्तर दिशी झारखंड प्रदेश है। आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न उत्तर में भी आपका ये उत्तर कई बार शामिल होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। छत्तीसगढ़ राजस्य उत्तर दिशी झारखंड प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में क्या है? हमारा कौन सा राज्य लगा हुआ है? झारखंड प्रदेश, है ना, झारखंड प्रदेश। ठीक है बच्चों, और दक्षिण दिशा में क्या लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। पूर्व दिशा में क्या लगा हुआ है? पूर्व में दिशा में क्या स्थित है, कौन सा प्रदेश स्थित है? उड़ीसा प्रदेश। उड़ीसा प्रदेश, उड़ीसा राज्य स्थित है। और पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है हमारा, कौन सा प्रदेश स्थित है, कौन सा विराजमान है? महाराष्ट्र प्रदेश। तो आपको याद हो महाराष्ट्र जाना चाहिए, है ना, आपको याद हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में झारखंड राज्य,
प्रदेश मतलब राज्य, दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश, दक्षिण दिशा में मतलब नीचे में, नीचे साइड में, ठीक है। आप चित्र में देख रहे होंगे वहां पे एक महिला खड़ी हुई है, वो हमारा दक्षिण कहलाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। पूर्व दिशा में क्या है, उड़ीसा प्रदेश, और पश्चिम दिशा में क्या है हमारा, महाराष्ट्र प्रदेश विराजमान है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आया? ठीक है, चलिए। यस मैम, आम मैडम है ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वकीय संस्कृति माधिकृत्य लोक प्रसिद्ध। अब यहाँ की जो संस्कृति है, खुद की, स्वकीय मतलब खुद की अपनी संस्कृति, जो क्या है अत्यंत, यहाँ पे क्या है, ये जो है विद्यंते मतलब है, यहाँ की जो संस्कृति उसका भी अपना बहुत महत्व है ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहुत सारी संस्कृति है जिसको हम अपने अपनी भाषा में गाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य सप्तविंशति जिला विद्यन्ते, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ प्रदेश है स्वकीय संस्कृति मध्यकृत लोक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है भाई यहाँ की सारी संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है वो प्रसिद्ध है ना बच्चों। आपने जैसे देखा होगा पहले पंडवानी जो तीजन बाई गाती थी, उन्होंने कितना इसको प्रसिद्ध किया है ना, वैसे बहुत सारी हमारी जो संस्कृति है वो प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य सप्तविंशति जिला विद्यन्ते, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिला हैं? देखिए एक गिनती आ गई यहाँ पे, सप्तविंशति, विंशति मतलब 20 और सप्त मतलब सात, 20 और सात कितने हो गए, 20 और सात कितने हो गए बच्चों, सत्ताईस 27 है सत्ताईस ना। सप्त मतलब सात, विंशति मतलब 20, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 27 जिला विद्यन्ते मतलब विद्यमान है, विद्यन्ते मतलब विद्यमान है, याद रहेगा आपको, छत्तीसगढ़ राज्य में 27 जिला विद्यमान है। ठीक है, अस्मिन राज्ये विविध लोक भाषा भाषिणश्च रायपुरा निवसंती, है ना, अस्मिन राज्ये विविध लोक भाषा भाषिणश्च निवसंती। हमारे राज्य में, इस राज्य में बहुत अनेक विविध मतलब अनेक प्रकार के लोगों का क्या है यहाँ पे, भाषा, और अनेक प्रकार की उनकी रहन-सहन है जो, है ना, वो क्या है यहाँ पे, किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, अनेक प्रकार के लोग, भाषा के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, निवसंती मतलब रहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्य कटक, कटक मतलब क्या होता है, राजधानी। आप राजधानी सभी को पता है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, रायपुरम अस्ति, रायपुर है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, क्या है, कटक मतलब राजधानी, क्या है, रायपुर है। रायपुर हाँ रायपुर है, याद है। रखिएगा आप, है ना, याद रखिएगा इसे, ठीक है, आपका ये जन सामान्य ज्ञान में भी काम आएगा। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में 27 जिले हैं, है ना, और इस राज्य की राजधानी रायपुर है, इसके मतलब आपका उत्तर दिशा में झारखंड है, दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश है, पूर्व दिशा जो किससे लगा हुआ है, उड़ीसा से, और पश्चिम दिशा किससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र प्रदेश से। ठीक है, ये चारों हमारे चारों दिशाओं में हमारे निकट स्थित हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि यद छत्तीसगढ़ राजस्य हृदय स्थलम अभिधीयते, जो क्या है, रायपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल है, तो इसे क्या कहते हैं, यह छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, इसे छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल भी कहते हैं। ठीक है, राजधानी जो है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए रायपुर जिला अंतर्गत यस हल्बी, हल्बी गोड़ी छत्तीसगढ़ी उड़िया लोक भाषा अति प्रसिद्धा। ठीक है, अभी तक तो हमने छत्तीसगढ़ी भाषा का देखा, अब हमें और क्या क्या भाषाएं बताया जा रहा है यहाँ पे, रायपुर जिले के अंतर्गत हल्बी, ठीक है, हल्बी भी एक लोक भाषा है, गोड़ी भी है, और छत्तीसगढ़ी और उड़िया भी क्या है, यहाँ की जो लोक भाषा है वो क्या है, यहाँ की जो बोलियां हैं वो क्या है, अति प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, अति मतलब अत्याधिक, अत्याधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्य उत्तर भागे कोरिया जिला अस्ति, राज्य के उत्तर भाग में कौन सा जिला है, कौन सा जिला है बच्चों, इसको अंडरलाइन करते जाइए आप, ऊपर वाला भी अंडरलाइन करेंगे आप, है ना, कि छत्तीसगढ़ राज्य में अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक
है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा जो अपन बताए पहले पढ़े थे ना, उसमें भी आप लोग नीचे एक लाइन खींच लीजिए, ताकि आपको ये जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो आपको याद रहे, ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन आपको याद रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजस्य उत्तर भागे कोरिया जिला अस्ति। राज्य के उत्तर भाग में कौन सा जिला है हमारा, कौन सा जिला है बच्चों? कोरिया कोरिया जिला है ना, बहुत बढ़िया। यत्र जना भोजपुरी सरगुजिया कुंडुक छत्तीसगढ़ी लोक भाषायाम च स्वकीया अभिव्यक्ति कुर्वन्ति च, मतलब च मतलब, और बहुत बढ़िया, यत्र मतलब यहाँ यहाँ, ठीक है। हाँ जना मतलब, जना मतलब लोग, जना मतलब लोग, जहाँ लोग कैसे कैसे किस किस भाषा से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं भाई, हम भाषाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं ना, जो बोलते हैं उसके द्वारा हम अपनी बातों को बताते हैं, तो भाषा क्या है, हमारा अभिव्यक्ति का एक साधन है, ठीक है। तो यहाँ के लोग भोजपुरी, वो भी एक भाषा है, लोक भाषा, सरगुजिया कुंडुप और छत्तीसगढ़ी लोक भाषा के द्वारा भी अपनी स्वकीय मतलब अपनी अभिव्यक्ति कुर्वंती, कुर्वंती मतलब करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ के लोग भोजपुरी सरगुजिया कुंडुक और छत्तीसगढ़ी बोलियों का क्या करते हैं, उसके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही क्या है, छत्तीसगढ़ राजस्य लोक भाषा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी बोलियां या कौन कौन सी लोक भाषाओं का उपयोग होता है, और लोग अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा के माध्यम के द्वारा, किस बोली के माध्यम के द्वारा करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के अलावा आपको बहुत सारी और भाषाएं पता चली, बताइए कौन कौन सी, कौन कौन सी? भोजपुरी, बहुत बढ़िया, और सरगुजिया, हाँ कुंडू, है ना। देखिए और कितनी सारी बोलियों के बारे में आपको पता चला आज, है ना। अच्छा, कोरिया जिले समीपे सरगुजा जिला स्थित अस्ति। कोरिया जिले के समीप कौन सा जिला है, और इसको भी नीचे लाइन दीजिए इसमें, सरगुजा, बहुत बढ़िया। कोरिया जिला के समीप में कौन सा जिला है, सरगुजा जिला, हाँ सरगुजा जिला स्थित अस्ति मतलब स्थित है, ठीक है। सरगुजा जिलायाम सादरी भोजपुरी सरगुजिया कुंडुक छत्तीसगढ़ी प्रभृतीनां लोक भाषाणां लोक जीवने प्रतिदिनं व्यवहारो भवति, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सरगुजा जिला में, अब देखिए और भी भाषाएं आ रही हैं, और भी बोलियां आ रही हैं, और भी, है ना, और भी हमारी छत्तीसगढ़ की बोलियां आ रही हैं, कौन कौन सी, देखिए सरगुजा जिला में कौन सी है, सादरी भोजपुरी सरगुजिया कुंडुक और छत्तीसगढ़ी, है ना। ये भी क्या करते हैं, इसका भी लोग क्या करते हैं, इस बोलियों का भी क्या करते हैं, अपने लोक जीवन में प्रतिदिन इसका व्यवहार करते हैं, इसका उपयोग होता है, भवती मतलब होता है, प्रभृति नाम मतलब इत्यादि, ठीक है। आप शब्दार्थ को भी लिखते जाएंगे, क्योंकि पूरा शब्दार्थ आपके उसमें नहीं मिलेगा, है ना, मैं जो आपको समझा रही हूँ उससे आपको क्या होगा, बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। तो प्रभिता नाम, है ना, और चह, यत्र, अस्मिन, ये सब के बारे में शब्दार्थ को आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, है ना, जिससे आपको अनुवाद करने में क्या हो, बहुत सुविधा हो जाएगी, ठीक है। राजस्य उत्तर दिशायमेव जसपुर जिला विद्यते, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे, उत्तर भाग में कौन सा था, कोरिया था। अब यहाँ पे फिर से आ रहा है कि राज्य के उत्तर दिशा में और भी कौन सा है, जसपुर जिला विद्यमान है, विद्यते मतलब विद्यमान है, स्थित है, ठीक है। तो राज्य के उत्तर दिशा में ही कौन सा है, कौन सा है, जसपुर जिला, बहुत बढ़िया, हाँ। अस्य जिलायाम, अब इस जिला में भी देखिए, हमने ऊपर किसका किसका पढ़ा, कोरिया का पढ़ा, उसके बाद किसका पढ़ा, सरगुजा का पढ़ा, ठीक है, हाँ सरगुजा का पढ़ा, अब इसके बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं बच्चे बताइए, जसपुर जिला का। तो वहां पे कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं वहां पे, सादरी भोजपुरी कुंडू और छत्तीसगढ़ इत्यादि जो बोलियां हैं वो क्या है, सुविख्यात हैं, संति मतलब
है, बिंदी लग जाएगा है के ऊपर, और अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। समझ आया बच्चों? अच्छा ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ राजस्य विद्युत केंद्र कोरबा जिला की प्रसिद्धा किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा कोरबा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए, क्योंकि वहां पे छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र का क्या है, विद्युत केंद्र है। वहां पे क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत केंद्र है, और कोरबा जिला इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आप सभी जानते प्रसिद्ध। हैं, आप सभी जानते हैं, इसको भी आप नीचे लाइन खींचिए इसमें, है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, महत्वपूर्ण नोट्स है, ठीक है, बिंदु है। अब देखिए, अस्मिन क्षेत्रे छत्तीसगढ़ी मागधी च लोक भाषाम सर्वे जना वदन्ति, तीत अंति यहाँ पे आ रहा है, कौन सा लकार आ रहा है बताइए? तीत अंति प्रथम पुरुष, लट लट लकार, बहुत बढ़िया। आगे के इस पार्ट के ना प्रश्न उत्तर में आपको ये आएगा, तो ध्यान देंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अति उत्तम। अस्मिन क्षेत्रे छत्तीसगढ़ी, इस क्षेत्र में कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ और मागधी, मागधी जो हमारी बोलियां हैं उसको सर्वे जना, सर्वे जना मतलब सभी लोग क्या करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। वदंती, वद मतलब बोलना, है ना, तो वदंती क्या हो गया, प्रथम पुरुष, और कौन सा वचन, कौन सा वचन, लट लकार बता दिया आपने, कौन सा वचन, वदंती, ती तह अंति। हाँ चलिए, आप बताइए, मुझे व्याकरण पूछनी थी आपसे। हाँ, राजस्य उत्तर पूर्व श्याम रायगढ़ जिला स्थितास्ति। अब रायगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है, राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है, हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश का रायगढ़ जिला स्थित है, बहुत बढ़िया, है ना, तो इसको भी आप नीचे लाइन खींचिए। अस्याम जिलायाम सादरी कुंडुक बोली छत्तीसगढ़ी उड़िया बंगाली च इति लोक भाषा अति प्रसिद्धा, है ना, इस जिले में कौन कौन सी बोलियां हैं, सादरी, ठीक है, और कुंडुक बोली छत्तीसगढ़ी उड़िया और बंगाली, चल गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और बंगाली, है ना, इत्यादि लोक भाषा जो है, बोलियां हैं, अत्यधिक क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, आप सभी को अच्छे से आ रहा है? आम, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे को बताते जाइएगा, आपको कहीं कुछ लगेगा तो पूछिएगा, ठीक है। जना आसाम लोक भाषाणाम स्वकीय व्यवहारे प्रयोगम कुर्वन्ति। जना, जना मतलब पहले भी आया है ऊपर, मैंने आपको बताया था इसका मतलब, अर्थ बताया था, शब्दार्थ में बताइए, जना मतलब, जना मतलब लोग। हाँ, तो जना आसाम लोक भाषाणाम स्वकीय व्यवहारे प्रयोगम कुर्वन्ति, भाई भाषा का भी क्या करेंगे, बोलियों का क्या करेंगे, अपने स्वकीय, अपने रोज के व्यवहार में, रोज के प्रतिदिन के जो रोजमर्रा की उनकी नैतिक दिनचर्या है या जो कार्य है, व्यवहार है, उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, कुवंती मतलब करते हैं, ठीक है, करते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ गया? हाँ, आम, है ना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राजस्य उत्तर दिशाया में जांजगीर जिला अस्ति, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में ही कौन सा जिला है बताइए, कौन सा जिला है, जांजगीर जिला है। हाँ, बहुत बढ़िया। यत्र छत्तीसगढ़ी लोक भाषाया जना प्रयोगम कुर्वन्ति, यहाँ पे कौन सी भाषा का, बोली का उपयोग करते हैं लोग, किसका प्रयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ी का, है ना, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। हाँ, जांजगीर जिले में क्या करते हैं लोग, छत्तीसगढ़ी भाषा का, बोली का प्रयोग। हाँ, जांजगीर जिले में क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली का लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए, राजस्य बिलासपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बघेली च भाषा द्वयेन जना व्यवहारंती। भाषा द्वयेन, द्वा मतलब क्या हुआ, द्वा मतलब दो, दो दो, है ना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, कि राज्य के बिलासपुर जिले के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ी बघेली च, चाया मतलब और लग जाएगा बीच में, है ना। तो छत्तीसगढ़ी और बघेली दोनों भाषा का लोग अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी? बिलासपुर में कौन सा किया जाता है? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी, बघेली बोली का, है ना। और जांजगीर में, जांजगीर में केवल छत्तीसगढ़ी का, है ना। हाँ, केवल छत्तीसगढ़ी का, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ी, हाँ, केवल छत्तीसगढ़ी का। और बिलासपुर में किसका किसका करते हैं? छत्तीसगढ़ी और बघेली का। अभी आपका बघेली। प्रश्न उत्तर आएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना। आप यदि दिमाग में इसको रखेंगे तो आपसे प्रश्न उत्तर बहुत जल्दी बन जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, एतादृशस्य छत्तीसगढ़स्य उत्तर पश्चिम दिशायां कवर्धा दुर्ग राजनांदगांव जिला च विद्यन्ते, है ना। और इसी प्रकार क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन कौन से जिले विद्यमान है? बताओ मुझे। कवर्धा, दुर्ग और राजनांदगांव, छ आ गया तो हम क्या जोड़ देंगे वहां पे, और जोड़ देंगे, ठीक है। तो कवर्धा दुर्ग और राजनांदगांव जिला क्या है वहां पे, विद्यमान है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़े, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, जोर से बोलेंगे हाँ सभी एक साथ। कवर्धा जिलायाम घोड़ी छत्तीसगढ़ी च लोक भाषायाम परस्परम सस्नेहेन स्वविचारान विचारावान विचारान प्रस्तुतवंती। ध्यान देंगे आप लोग, कवर्धा जिला में कौन कौन सी? घोड़ी और छत्तीसगढ़ी, घोड़ी और छत्तीसगढ़ी लोक भाषायाम, है ना, बोलियां जो है परस्पर और प्रेम के साथ अपने विचारों को क्या करती हैं, प्रस्तुत करते हैं। इनके माध्यम से लोग बहुत प्रेम से और बहुत स्नेह से इस बोली को बोलकर अपने व्यवहार को, अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। किसके, कौन सी बोली के माध्यम से, कौन सी लोक भाषा के माध्यम से, बताइए। घोड़ी, घोड़ी और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी कहाँ पर, कौन से जिला पर, कौन से जिला में? कवर्धा कवर्धा जिला में। और छत्तीसगढ़ी और बघेली कहाँ, दुर्ग हाँ, और छत्तीसगढ़ी और बघेली कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी और बघेली बिलासपुर जिला। हाँ वही मैं आपको देख रही थी, चेक कर रही थी कि आप भूल तो नहीं गए हैं, ठीक है। और केवल छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? जांजगीर। जांजगीर में। आप तो बहुत होशियार हो गए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिलायाम हल्बी घोड़ी छत्तीसगढ़ी च लोक भाषा इति प्रसिद्ध, ठीक है। अब देखिए दुर्ग जिला में कौन कौन सी बोली आ गई? अब तीन बोली आ गई यहाँ पे, कौन कौन सी? हल्बी हल्बी, घोड़ी और गोभी, छत्तीसगढ़ी, है ना। दो बोली कहाँ पकड़ी थी, दो बोली कहाँ पर बोली जाती है? बिलासपुर। बिलास, एक बोली केवल छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? जांजगीर में। ठीक, जांजगीर, और तीन बोली कहाँ पे बोली जाती है? दुर्ग जिला में, है ना। अभी अपन पढ़ रहे थे हल्बी घोड़ी और छत्तीसगढ़ी, जो लोक भाषा है अत्याधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। अब राजनांदगांव जिला अंतर्गत हल्बी घोड़ी छत्तीसगढ़ी मराठी च लोक भाषा सुप्रसिद्ध। अब यहाँ पे चार आ गई, देखिए पहले एक बोली थी कहाँ पे थे? जांजगीर में। बिलासपुर में कितनी आई? दो बोली का उपयोग हुआ। तीन दुर्ग बोली का उपयोग कहाँ पे हुआ? दुर्ग में हुआ। और दो बोली का उपयोग कहाँ हुआ? कवर्धा में हुआ। अब बहुत सारी बोलियां जो आ रही है कहाँ पे आ रही है? राजनांदगांव में, है ना। तो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत हल्बी घोड़ी छत्तीसगढ़ी और मराठी, है ना, बोलियां जो लोक भाषा है वो क्या है, प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों आगे बढ़े, ठीक है। समझ आ रहा है हाँ आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है? कुछ आपको शंका संदेह हो तो बताइए मुझे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे घूमते हैं हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को, है ना। अब कहाँ चले, कहाँ की बोली देखिए, अब हम देखेंगे कहाँ की बोली, बताइए कहाँ की बोली देखिए। महासमुंद, महासमुंद? महासमुंद नहीं है, महासमुंद, हाँ
ठीक है। हाँ, पूर्व दिशायाम महासमुंद जिला विराजते। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, उत्तर है ना, सारी दिशाएं जहाँ पे हमारे जिले हैं। अब कौन सी दिशा आ गई, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कौन सा जिला है, महासमुंद जिला विद्यमान है ना, वो विद्यमान है। ठीक है, यत्र जना छत्तीसगढ़ी उड़िया चलोक भाषा माध्यमेन स्वविचारान प्रदर्शयन्ति। यहाँ पे लोग किस भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, छत्तीसगढ़ी और उड़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी और उड़िया। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य भागे धमतरी जिला अस्ति। छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में क्या है, कौन सा जिला है, नीचे लाइन कीजिए, इसमें कौन सा जिला है, धमतरी है ना, धमतरी जिला है। हाँ, अत्र अत्र धमतरी जिला है, बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए, अत्र 1885 ख्रीस्त में काव्योपाध्याय हीरा लाल महाभागेन छत्तीसगढ़ी भाषाया प्रथमम व्याकरणम लिखितम। यहाँ पे 1885 ईस्वी में काव्योपाध्याय मतलब कविवर, उनका नाम क्या है, हीरा लाल। महाभागे मतलब महोदय, महाभागे छत्तीसगढ़ी भाषाया, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या लिखा उन्होंने। आपने देखा होगा हर भाषा का व्याकरण होता है ना, तो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा का भी क्या है, व्याकरण है। तो उसको किसने लिखा, किस कवि ने लिखा, हीरा लाल महोदय, है ना। ध्यान रखेंगे आप, याद रखेंगे, आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत उत्तम है। ठीक है, तो किस ईस्वी में, 1885 में, कहाँ, धमतरी में, अत्र मतलब यहाँ है ना, तो यहाँ 1885 ईस्वी में कविवर, काव्योपाध्याय मतलब कविवर, हीरा लाल महाभागे मतलब हीरा लाल महोदय ने छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रथम व्याकरण लिखा। व्याकरण क्यों पढ़ते हम, व्याकरण का मतलब क्या होता है, किसी भाषा को जानने के लिए जो उसका नियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारा भी छत्तीसगढ़ी का जो व्याकरण है वो किसने लिखा, हीरा लाल महोदय ने, है ना। कब लिखा, 1885 में, इसको याद रखिए, है ना। अब देखिए, धमतरी जिलायाम हल्बी छत्तीसगढ़ी च भाषे अति प्रसिद्ध। धमतरी जिला में कौन कौन सी भाषा, हल्बी, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है क्या है, अति प्रसिद्ध है, अत्याधिक प्रसिद्ध है। राजस्य दक्षिण भागे कांकेर जिला अस्ति, अत्र हल्बी छत्तीसगढ़ी मराठी बंगाली चलोक भाषा अति लोकप्रिय, है ना। राज्य के दक्षिण भाग में कांकेर जिला है। देखिए भाई, पूर्व दिशा में क्या था, महासमुंद, अब दक्षिण मतलब नीचे साइड में क्या है, नीचे साइड में कांकेर जिला है ना। अत्र हल्बी छत्तीसगढ़ी है ना मराठी बंगाली चलोक भाषा अति लोकप्रिय। यहाँ पे चार भाषा है, कौन कौन सी, हल्बी छत्तीसगढ़ी मराठी और बंगाली भी है। देखिए, हाँ, यहाँ पे मराठी और बंगाली भी बोली जाती है, लोक भाषा है ना, ये भी लोकप्रिय है। राजस्य दक्षिण दिशासु बस्तर जिला आदिवासी क्षेत्रस्य नामना प्रसिद्धा। राज्य के दक्षिण दिशा में कौन सा जिला है हमारा, बस्तर जिला। हाँ, बस्तर जिला, और एक ऐसा प्रदेश कहलाता है, किसके नाम से प्रसिद्ध है ये, आदिवासी क्षेत्र के, है ना, उसके नाम से प्रसिद्ध है। फिर बस्तर में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, देखिए आप, बस्तरे हल्बी गोड़ी भतरी दोरली परजी कदबी छत्तीसगढ़ी उड़िया प्रभृति लोक भाषा प्रचलित। प्रभृतिया का मतलब मैंने आपको ऊपर बताई थी, क्या बताई थी, प्रभृतिया का मतलब इत्यादि, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारी भाषा है इसलिए हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, इत्यादि, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे, बस्तर में हल्बी भी है, गोड़ी भी है, भतरी भी है, दोरली है, परजी है, गदबी है, छत्तीसगढ़ी और उड़िया इत्यादि लोक भाषा क्या है, प्रचलित है। बहुत सारी भाषा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है ना। तो आप देखिए आगे, यहाँ पे बस्तरस्य दक्षिण भागा एव दंतेवाड़ा दंतेश्वरी देव्या नामना प्रसिद्धा। बस्तर के दक्षिण भाग में ही, एव मतलब ही, क्या है, दंतेवाड़ा में क्या, किसका मंदिर है, कौन सी देवी का,
दंतेश्वरी देवी का है ना, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहेगा आपको कहाँ पे है, बस्तर में, दंतेवाड़ा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यत्र हल्बी गोड़ी दोरली छत्तीसगढ़ी उड़िया तेलुगु इत्यादि लोक भाषा प्रसिद्ध, जहाँ पे क्या क्या है, हल्बी गोड़ी दोरली छत्तीसगढ़ी उड़िया तेलुगु इत्यादि, हाँ इत्यादि लोक भाषा क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, बीजापुर, हाँ प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बीजापुर जिला अंतर्गत तेलुगु गोड़ी भत्री हल्बी इत्यादि लोक भाषा अति प्रसिद्ध। अब कहाँ पे बोल रहा है, बीजापुर, पहले क्या था, दंतेवाड़ा था, अब कौन सा जिला है, बीजापुर। तो यहाँ पे तेलुगु भी, हाँ यहाँ पे तेलुगु भी आ गई। देखो, तेलुगु गोड़ी भत्री हल्बी इत्यादि क्या है, लोक भाषा अति प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे आप, पहले में क्या आया था, मराठी और बंगाली भी आ गए थे, अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो छत्तीसगढ़ में तेलुगु भी आ गया, तेलुगु बोली भी आ गई है ना। अब देखिए, नारायणपुर जिलायाम गोड़ी हल्बी दोरली प्रभृतियाँ लोक भाषा प्रचलित। नारायणपुर जिला में गोड़ी हल्बी दोरली है ना, प्रभृतियाँ मतलब इत्यादि है ना, इत्यादि भी क्या है, बोलियां प्रचलित है। समझ में आ रहा है बच्चों, आप लोग को, सभी को अच्छे से आ रहा है समझ में? ओके, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे घूमते हैं है ना, अब छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ते हैं, आगे घूमते हैं। चलिए, अब कहाँ पहुंच गए हम, सुकमा, कहाँ पहुंच गए हम, सुकमा, सुकमा जिला, हाँ सुकमा जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भतरी हल्बी गोड़ी दोरली तेलुगु प्रभृतिया लोक भाषा प्रचलित। सुकमा जिला के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आ रही है बताइए, कौन सी लोक भाषा, भतरी बतरी, हल्बी घोड़ी डोली तेलुगु, हाँ ये लोक भाषा प्रचलित है। इत्यादि लोक भाषा क्या है प्रचलित है, प्रभृतिया के मतलब क्या हुआ, इत्यादि, जहाँ बहुत सारा आ गया उसके बाद हम क्या लगाते थे, इत्यादि है ना। अब देखिए, कोंडागांव जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ी हल्बी गोड़ी भतरी परजी दोरली गदबी प्रभृतिया लोक भाषा प्रसिद्ध। अब कोंडागांव में भी वैसी है, कोंडागांव जिला के अंतर्गत कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़ी हल्बी गोड़ी भतरी परजी दोरली गदबी प्रभृतिया लोक भाषा प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए, गरियाबंद जिलायाम छत्तीसगढ़ी उड़िया भाषा प्रचलित है। गरियाबंद जिला में कौन सी है, केवल दो, कौन सी बताइए, कौन सी, छत्तीसगढ़ी और उड़िया है ना, छत्तीसगढ़ी और उड़िया, हाँ वहां पे दो बोलते हैं। वैसी और हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे दो और बोलते हैं, कहाँ पे हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कहीं, याद करिए, मैंने पूछा है आपसे, बिलासपुर, और जांजगीर, बिलासपुर, चलिए ठीक है ना, बिलासपुर के पास ही, हाँ। अब देखिए आगे, बलौदा बाजार भाटापारा जिलायाम छत्तीसगढ़ी घोड़ी च लोक भाषा द्वे प्रचलित है। बलौदा बाजार में भाटापारा जिला में छत्तीसगढ़ी और घोड़ी जो बोलियां हैं वो प्रचलित है, यहाँ पे भी दो हैं। ठीक है, बालोद जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ी घोड़ी हल्बी प्रभृतिया लोक भाषा लोकप्रिय। बालोद जिला अंतर्गत के कौन से है, बालोद जिला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी घोड़ी और हल्बी इत्यादि लोक भाषा, वहां पे और भी है ना, क्या है वो, लोकप्रिय है। बेमेतरा जिलायाम छत्तीसगढ़ी हल्बी गोड़ी लोक भाषा प्रचलित है। बेमेतरा जिला में कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ी हल्बी गोड़ी, हाँ लोक भाषा प्रचलित, हल्बी और गोड़ी, हाँ। बलरामपुर जिलाया में कौन कौन से हैं बताइए, छत्तीसगढ़ी सादरी भोजपुरी लोक भाषा प्रचलित है। ठीक है, अब सूरजपुर जिला, छत्तीस, हाँ ठीक है, सूरजपुर जिला में कौन कौन से, सूरजपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ी सादरी भोजपुरी सरगुजिया प्रभृति लोक भाषा अति प्रिया। सूरजपुर जिला में छत्तीसगढ़ी सादरी भोजपुरी सरगुजिया इत्यादि लोक भाषा क्या है, अत्यंत प्रिय, अत्याधिक प्रिय है। ठीक है, मुंगेली जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बघेली गोड़ी प्रभृति लोक भाषा प्रचलित। मुंगेली जिला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बघेली गोड़ी प्रभृतिया लोक भाषा प्रचलित। मुंगेली जिला अंतर्गत के क्या 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 है बताइए,
मुंगेली जिला के अंतर्गत क्या क्या है बताइए, कौन सी बोलियां? छत्तीसगढ़ी, बघेली, गोड़ी। हाँ बड़े, हाँ अब देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको? हाँ चलिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश एकम उद्यानमिव प्रतीयते। अब इतनी सारी बोलियां हैं तो जब आप गार्डन जाते हो, उद्यान जाते हो, तो वहां पे आपको क्या दिखता है? बहुत सारे फूल दिखते हैं, है ना? तो छत्तीसगढ़ में इतनी सारी बोलियां हैं तो हमको छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसा प्रतीत होता है? एक उद्यान, एक बगीचे के समान प्रतीत होता है ना, एक गार्डन के समान प्रतीत होता है। अस्मिन् उद्यानने नाना विधानी पुष्पाणि सन्ति। उस उद्यान में कैसे है, कई प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के, अनेक प्रकार के पुष्पाणि मतलब पुष्प, विकसंती मतलब विकसित होते हैं। इस उद्यान में अनेक प्रकार के, नाना विधानी मतलब अनेक प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं, विकसंती मतलब विकसित होते हैं। बिंदी लग जाएगी, ठीक है? अब देखिए, लोक भाषाणाम एतानी पुष्पाणि छत्तीसगढ़ राज्यस्य एकताम परस्परम स्नेहम च प्रदर्शयन्ति। और इन्हीं बोलियों के कारण, ये जो पुष्प हैं इनके कारण हमारा छत्तीसगढ़ राज्य किसके कारण से एकता और परस्पर प्रेम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए कितनी सारी बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं, कितने सारे प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे गार्डन में बहुत सारे फूल रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी बोलियां रहती हैं, है ना? तो इसका कारण क्या है, हमारा ये गार्डन जो है परस्पर स्नेह और एकता का प्रदर्शन प्रतीत करता है। चलिए अब हम शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, अब हम अभ्यास थोड़ा कर लेते हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर थोड़ा करते हैं, है ना? इसमें क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से स्थिति का अस्थि कैसे है बताओ, कैसे छत्तीसगढ़ राज्य, हाँ छत्तीसगढ़ राज्य से झारखंड प्रदेश, बहुत बढ़िया। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, उसी को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए खा, छत्तीसगढ़ राज्य कति जिला संति, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? मैंने कुछ संख्या बताई थी आपको, सप्त, हाँ 27, विंशति मतलब 20 और सप्त मतलब 7, 20 और 7 कितने हो गए 27, तो कितने हैं सप्त विंशति, ठीक है? छत्तीसगढ़ से हृदय स्थलम नगरम किम अस्ति, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कौन सा नगर है? रायपुर। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए। छत्तीसगढ़ से हृदय स्थलम नगरम रायपुर अस्ति, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करना है, आपको निम्न जिलों के दो दो लोक भाषा को लिखना है, आप पुस्तक से देख के लिख लेंगे, है ना? तो रायपुर में कौन कौन सी बोली बोली जाती, दो दो भाषा लिखना है बस आपको, ठीक है? दो दो भाषा, है ना? हाँ तो यहाँ पे जो रायपुर में जो आप ऊपर पाठ में पढ़े ना, उसको देख के दो दो बोलियों को लिखेंगे, केवल दो दो बोलियों को, ठीक है? अब देखिए, राजनांदगांव जिला अंतर्गत कति लोक भाषा जना प्रयोग करवंती, जो राजनांदगांव जिले में लोग प्रयोग करते हैं उसको देख के आप लिखेंगे, ठीक है? आप एक, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, का जिला आदिवासी क्षेत्र से नामना प्रसिद्ध, मैंने प्रश्न पूछी थी आपसे, आदिवासी क्षेत्र के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा जिला, जल्दी बताइए, आदिवासी क्षेत्र के, बस्तर, पूरे में पूरे 10 में 10, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, ये तो बन गया आपसे, वाह प्रश्न दूसरा भी आपसे बन गया, बहुत होशियार हो गए। अब देखिए आप, छत्तीसगढ़ प्रदेश किमिव प्रतीयते, कैसा प्रतीत होता है, हमको कैसा लगता है छत्तीसगढ़ प्रदेश, मैंने आखिरी में बताई थी एकम उद्यानम, उद्यानम बगीचे के समान, है ना? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश एकम उद्यानम प्रतीयते, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है, तो पहले में क्या आ जाएगा बताइए आप, पहले कांकेर में कौन कौन सा आ जाएगा, तीसरा, है ना? तीसरे वाले को लिखेंगे, फिर जांजगीर में देखेंगे, जांजगीर में मैंने बताया था आपको एक ही बोली बोली जाती है, जहाँ पे दो बोली बोली जाती है, जांजगीर में क्या आ जाएगा,
छत्तीसगढ़ी, ऐसे ही देख के आपको लिखना है ना, ऐसे ही देख के वहां पे छांट के आप बोलियों को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए निम्न धातु का लट एवं लोट लकार में प्रयोग कीजिए। मैंने ऊपर एक बताया आपको, ती ता अंति, क्री मतलब क्या होता है करना, और अस का क्या मतलब होता है होना, तो इन दोनों का हमको कौन सा लकार लिखना है, लट एवं लोट। तो कौन सा लकार आ जाएगा लट में, ती त अंति, सी थ थ और मी व म बन जाएगा, उसको जोड़ना है आपको, है ना। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको हिंट दे दी हूं, एक में तू तम अंतु आएगा लोट में, ठीक है, तम था और नी व म, उसमें आपको अस और क्री को जोड़कर लिखना है। क्री का मतलब होता है करना और अस का मतलब होता है होना। ये इसका क्या है, मूल धातु है ना, ये क्या है इसका, क्रिया की मूल धातु है। क्री मतलब करना और अस का क्या मतलब होता है, मूल धातु होना। तो इसका आपको क्या करना है, निम्न धातु का लट एवं लोट के कारण मैंने आपको होना दी हूं, है ना, थोड़ा सा समझा दी हूँ। ती ता अंति, सी था त, मी व म, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्या आएगा उसमें, ती ता अंति, है ना, और मध्यम पुरुष में क्या आएगा, सी थ थ, और उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मी व म, इसको जोड़ के आपको लिखना है, आपका होमवर्क है, बहुत कुछ बता दी। अब देखिए प्रश्न पांचवा, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यह लोक भाषा है, तो क्या आ जाएगा, ऐसा लोक भाषा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 27 जिले, आपको इसको संस्कृत में लिखना है, ऊपर जो लिखा था वही लिखना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश से छत्तीसगढ़ भाषा प्रसिद्ध अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश से सप्तविंशति जिला अस्ति, खाका, ठीक है। यह लोक भाषा है, ऐसा लोक भाषा अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 27 जिले हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश से सप्तविंशति जिला अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ प्रदेश से छत्तीसगढ़ी भाषा प्रसिद्ध अस्ति। बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अस्ति, ठीक है, बस्तर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अस्ति। सरगुजा जिला में सरगुजिया बोली प्रसिद्ध है, सरगुजा जिला सरगुजिया बोली प्रसिद्ध अस्ति, लोक भाषाओं प्रसिद्ध अस्ति। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको बता दी भी हूँ, लेकिन आपको इसको करना, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है, ये आपका क्या था, गृह कार्य था। चलिए अब अपन अगली कक्षा में अपन फिर मिलेंगे, धन्यवाद, है ना, धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बच्चों।